नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे एंड आई एम योर मिनट और शिवानश बसीन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या रह सकता है ये मैं दो तीन दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो मुझे विशेज दिए हैंप्पी बर्थडे की एंड इट मीन्स अ लॉट एंड ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि मेरी एज ट्वेंटी है बट येस yes, अभी मेरी एज 22 ही है ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि मैं 26, 27 ट्वेंटी का हूँ ऐसा नहीं है मैं 22 का ही हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो भी आप लोगों ने ब्लेसिंग्स दी हैं एंड uh, मैं बहुत ज़्यादा अचीव करूँ आप लोगों की यही दुआ है ठीक है एंड हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में और मार्केट के बारे में तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मार्केट एक एग्जैक्ट जोन में है जहां पर ना बाइंग ना सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है यानी कि नो डिसीजन जोन है अभी जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी नॉट बहुत टाइम पहले थोड़े टाइम पहले ये एक वीडियो बनाई थी कि नो ट्रेडिंग डे का एंड उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि कोई ट्रेड नहीं करना है उस दिन यह वो ट्रेड अभी भी कंटिन्यू चल रहा है लेट मी एक्सप्लेन यू मैं बताऊंगा कि, कि किस लेवल पे अभी मार्केट है कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से ना ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है मतलब इन द सेंस साइड है मार्केट ओके करना क्या है स्टॉक स्पेसिफिक्स रहना है कि मार्केट जब तक एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं देती है तब तक ट्रेड नहीं करना तो ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एंड कुछ स्टॉक्स जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो हम लोगों ने खुद बाय करे हुए हैं एंड उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे चलते हैं अपने चार्ट सेटअप्स की तरफ एंड देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है ओके okay? तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड uh, सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं इस स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल ठीक है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब आप लोगों को नोट करके रखने हैं लेवल्स एंड टारगेट्स एंड स्टॉक का नाम सो so प्लीज वीडियो को पॉज करिए वीडियो को पॉज करने के बाद एक बार कॉपी पेन लेकर आइए एंड स्टॉक का नाम के साथ टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट एक बार नोट कर लीजिएगा

आप देख सकते हैं कि एक फ्लैग एंड पोल का एक बहुत ही बढ़िया इसने ब्रेकआउट दिया है आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है फ्लैग एंड पोल का एक ब्रेकआउट हमें भारतीय एयरटेल के अंदर देखने को मिला है उसके बाद अगर मैं इसमें और चीज़ें भी आपको करके दिखाता हूँ एक पैटर्न और बना है जिसे हम कहते हैं बुलिश हेड शोल्डर पैटर्न ये एक बुलिश हेड शोल्डर पैटर्न बना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया जिसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है अब इसके जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो आते हैं फाइव थर्टी फाइव के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो कि हमें लगता है कि आराम सेवन रुपीज का टारगेट है ठीक है सो व्हाट यू हैव टू डू आप इसे बाय कर सकते हैं फाइव ट्वेंटी नाइन पे फाइव ट्वेंटी नाइन पे भारतीय एयरटेल को बाय करना है फाइव थर्टी थ्री फाइव थर्टी फाइव दो टारगेट आपको प्रोवाइडेड है एंड यू स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड फाइव ट्वेंटी सिक्स and yeah 526 can be your stop loss okay and ओके एंड लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक दैट इज अदानी पोर्ट ये आज हम लोग बाय करने वाले थे बट uh, मैंने buy नहीं करा मैं इसके लिए एक बार wait करना चाहता था कल की market अगर फाइव ट्वेंटी नाइन के ऊपर जाती है आई विल बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड ये है अदानी पोर्ट एंड आपको पता है कि अदानी के ज़्यादातर सारे के सारे स्टॉक्स हाई लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं चाहे वो अदानी पोर्ट हो चाहे वो अदानी इंटरप्राइजेज हो चाहे वो अदानी ग्रीन हो सारे स्टॉक्स आपको पता है कि ऊपर ही ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ठीक है आप देखेगा कि एक बहुत बढ़िया अपमूव उसके बाद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा है एंड उसका क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है लेट्स मूव टू अ अर्ली टाइम फ्रेम अर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि एक सिमेट्रिकल चैनल के अंदर काम कर रहा था एक ट्राइंगुलर पैटर्न के अंदर काम कर रहा था इसका बहुत ही बढ़िया इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया

अगर आप मानना चाहे तो आप इसे देखिए एक कप हैंडल फॉर्मेशन भी मान सकते हैं लेट मी शो यू आप इसे एक हैंडल फॉर्मेशन भी मान के चल सकते हैं ठीक है एक कप एंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है सो आई थिंक इट्स अ गुड बाय फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक और ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक हम लोगों ने बाय करा है आज एंड एज अ बीटीएसटी लेकर चल रहे हैं बिकॉज आई थिंक अगर मार्केट कल एक बार गैप अप खुलती है या थोड़ा सा ऊपर खुलती है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें प्रॉफिट दे सकता है एंड देन वी कैन एग्जिट दिस पर्टिकुलर स्टॉक सो लेट मी टेल यू अबाउट द टारगेट एज वेल द टारगेट शुड बी अराउंड देखिए आपको बाय जो करना है वो बाय करना है आपको अराउंड सेवन 747 सेवन सेवन फोर्टी सेवन के ऊपर आप बाय कर सकते हैं अदानी पोर्ट की बात हो रही है एंड योर टारगेट शुड बी अराउंड 756, 747 के आसपास बाय कर सकते हैं 752 से लेके 756 तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द स्टॉप लॉस यू शुड हैव टू पुट इज अराउंड 740 वेट लेट मी चेक 741. 741 का टारगेट है 750, 741 से लेके 742 का स्टॉप लॉस है एंड योर टारगेट शुड बी अराउंड 757, 756 का ओके लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक दैट इज एल ये स्टॉक भी हम लोगों ने बाय कर रखा है एंड भारतीय एयरटेल भी यस सॉरी गाइस भारतीय एयरटेल इज आल्सो अ बाय एंड वो भी हम लोगों ने बाय कर रखा है अभी मैंने चेक करा है ठीक है लेट मी ओपन डेली टाइम फ्रेम यस ये वाले पर्टिकुलर स्टॉक पे हम लोगों ने एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करा है जो कि एक राइटिंग uh, है मतलब ऑप्शन एक्सपायरी के ऊपर ये वर्क करा है तो इस पर जो मिनिमम कैपिटल लगती है अराउंड 1.5 लाख के आसपास लगी होगी ठीक है एंड क्लियर वे में आपको यहां पर दिख रहा है कि एक यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आप क्लियरली देख सकते हैं लेट मी शो यू एक क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है यहां पे एंड आप को मैं यहां दिखा देता हूं जस्ट वेट अ सेकेंड देख सकते हैं यहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे थे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल मल्टीपल रेजिस्टेंस इस मल्टीपल रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट इसने बहुत बढ़िया कैंडल के साथ दिया है सो आई थिंक यहां पर एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है ये स्टॉक भी डेफिनेटली हमारे पास बाय में है एंड आई पर्सनली थिंक ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है सो so, करेंटली जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है फोर्टी टू सिक्सटी नाइन आप फोर्टी टू सेवेंटी थ्री या सेवेंटी फाइव के ऊपर बाय करके चल सकते हैं एंड आई थिंक की फोर्टी थ्री हंड्रेड एंड टेन तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे भी ऊपर आप टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल की मार्केट के अंदर एंड आई थिंक की स्टॉप लॉस आपको जो रखना चाहिए वो रखना चाहिए अराउंड जस्ट वेट अ सेकेंड द स्टॉप लॉस यू शुड Put is around uh, 42, 45, 42, 45 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं एंड अराउंड 60, टू 50 टू 60 पॉइंट तक का टारगेट आप अचीव करके चल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ठीक है सो लेट्स मूव टू अर नेक्स्ट स्टॉक एंड दैट इज विप्रो विप्रो में बाय करने की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है क्योंकि इसपे भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है एंड ब्रेकआउट अभी आया नहीं है बट आई कैन एक्सपेक्ट कि मुझे लग रहा है कल ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग मिस ना कर दें अपॉर्चुनिटी को सो so, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि एक सिंपल फ्लैग एंड पोल पैटर्न के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है एंड एग्जैक्ट अपने बॉटम से एक अपमूव शो कर रहा है एंड एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे ये खड़ा हुआ है सो so, अब आपको करना है क्या अगर जैसे ही इसका एक ब्रेकआउट आता है जैसे ही हम देखें कि इसका एक ब्रेकआउट आता है येस वी कैन गो फॉर अ बाय एंड हमें एक अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो ट्रेड कर रहा है 425.5 के ऊपर आप 427 के ऊपर बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं एंड टारगेट शुड बी अराउंड 431 से लेके 433 तक के 431 से लेके 433 विप्रो स्टॉक की बात कर रहा हूं बाय अब फोर ट्वेंटी सेवन एंड शुड बी अराउंड 424 फोर या 423.5 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं एक सिंपल क्लियर फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है एंड मार्केट आज बहुत ज्यादा नीचे थी गाइस बट अभी भी आईटी सेक्टर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा तो आईटी सेक्टर के लिए एक ये स्टॉक बेट है और एक लास्ट है जो कि है टाटा एलेक्सी ये भी बाय करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है क्लियर ब्रेकआउट एंड बढ़िया ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है एक पेनेट पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है टाटा एलेक्सी है बुलिश पेनेट पैटर्न का ब्रेकआउट हमें क्लियर देखने को मिला है उसके बाद अगर मैं आप लोगों को जोन बताऊं तो इस लेवल से एक बहुत बढ़िया जोन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है यस वी कैन गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड आई थिंक द टारगेट शुड बी अराउंड

टाटा एलेक्सी करंट प्राइस जो चल रहा है 2855 चल रहा है 2865 या 63 के ऊपर बाय कर सकते हैं एक पता चल जाएगा कि ऊपर सस्टेन कर रहा है लेट्स मूव टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एज वेल एंड यस यहां देख सकते हैं एक हॉल्ट एक शार्प अप मूव एक हॉल्ट अब इस लेवल हॉल्ट के ऊपर अगर ये निकलता है देन वी कैन गो फॉर अ बाय अराउंड

उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को शो करना चाहूं आप यहां पर क्लियर वे में देख सकते हैं कि अभी ये काम किस तरीके से कर रहा है गाइस ठीक है सही यहां पर ये कर रहा है कि एक देखे, move, ये एक रेजिस्टेंस देखिए अप मूव ये सपोर्ट ऊपर गया डबल टॉप टाइप सिनारियो बनाया नीचे आया अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करा सॉरी जैसे ही प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करा ऊपर रीटेस्ट ले गया दोबारा नीचे आया अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करा ठीक है ऊपर दोबारा ऊपर गया यहां पर ट्रिपल टॉप टाइप सिनेरियो बनाया और दोबारा नीचे आ रहा है ये yes, यस अपने बी बॉटम से रिकवर हो गया था ये बट इसका मतलब ये नहीं कि सेलिंग प्रेशर चला गया है बाइंग प्रेशर आ चुका है रिकवर करा था फॉर अ रीटेस्ट रीटेस्ट कैसे लेट मी शो यू वेरी क्लियरली ओके सो लेट मी क्लियर ऑल द ड्रॉइंग्स एंड लेट्स मूव टू अ अर्ली टाइम फ्रेम अर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेड अ लेटमी मेक अ जोन हेयर मैं आप लोगों के लिए एक जोन बना देता हूं क्लियर बेसिस पे देख सकते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस वी आर सींग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड आप देखेगा ये जो गैप था इस गैप को फिल करा थोड़ा सा नीचे गया एंड इस पर्टिकुलर लेवल पे जो इसने सपोर्ट लिया है इसने सपोर्ट लिया है इस लेवल पे ठीक है आप देखेगा एक शार्प फॉल एक कंटिन्यूस शार्प फॉल के बाद इसने करा क्या है एक रिकवरी दिखाई है बट रिकवरी के बाद आप अगर जूम करके देखें यहां सी आपको मैं एक जोन बना के दिखा रहा हूं दैट जोन शुड बी अराउंड ये देखिएगा क्या करा इसने लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रेक मूव नीचे आया ये सपोर्ट था यस और नो ये सपोर्ट था ऊपर गया इट फॉर्म डबल टॉप डबल टॉप टाइप सिनेरियो बनाया है उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आया अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करा नीचे गया ऊपर गया रीटेस्ट करा रीटेस्ट करने के बाद उसने एक इनवर्स उसने एक इनडिसाइसिव कैंडल फॉर्म करी है इन कैंडल फॉर्म करने के बाद अगर ये वाली कैंडल देखिए ये वाली कैंडल अगर इसके नीचे बंद हो जाती तो हम लोग बोल सकते थे कि दोबारा ये 14,880 तक जा सकता है मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की गिरावट दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते थे हम लोग बट ये वाली जो कैंडल बनी थी इस वाली कैंडल पे मैंने सजेस्ट करा कि अभी कोई ट्रेड नहीं करते हैं ठीक है इस कैंडल पे अभी कोई ट्रेड नहीं कर सकते जब तक ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है तो हम लोगों को बाय या सेल कब करना है लेट मी टेल यू हमें सेल तब करना है जब ये इस कैंडल के नीचे वन आर की कैंडल क्लोज करती है इसके नीचे जैसी वन आर की कैंडल क्लोज करती है वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट एंड आई थिंक द टारगेट शुड बी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल एंड दिस पर्टिकुलर लेवल सॉरी यस ये तो हमारे टारगेट्स होंगे जब तक इसके नीचे क्लोज करेगा एंड बाय हम तभी करेंगे जब ये इस प्राइस के ऊपर जाके क्लोज करेगा एंड तब हमारे जो टारगेट्स होंगे अराउंड अराउंड होंगे दिस पर्टिकुलर लेवल एंड दिस पर्टिकुलर लेवल नो इट शुड बी इन द मिड मिड इस पूरी कैंडल का मिड होना चाहिए जो कि ये लेवल होगा ठीक है सो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं इसको मैं लेटमी यस ठीक है ये एक जोन है एंड ये एक सोना है यस yes. अब आप देखिएगा अगर ये ब्लू जोन के ऊपर जाता है तो हमें बाय करना है दिस टू आर द टारगेट्स। अगर ये रेड जोन के नीचे जाता है तब ये दो हमारे टारगेट्स होंगे एंड अगर इसके नीचे जाता है दिस शुड बी आर स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर जाता है दिस शुड बी आर स्टॉप लॉस पॉइंट समझ गया है मार्केट अभी इंडिसाइसिव है मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि बहुत कम क्वांटिटीज पे अभी ट्रेड करेगा बिकॉज अगर हम लोग डेली या वीकली चार्ट्स पे देखें तो एग्जैक्ट अपने निफ्टी राइजिंग uh, चैनल के सपोर्ट पे है एंड वहां पर एक बाउंस होने के चांसेस हैं बट अगर हम लोग यहां देखें तो निफ्टी वीक लग रही है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट है मैं कहूंगा तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए ज्यादा क्वांटिटीज पे ट्रेड मत करिए जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचिए ये मत सोचिए कि मुझे ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए कम प्रॉफिट बुकिंग करिए बट सेफली निकलिए सेफली एग्जिट करिए कोशिश करिएगा कि कम से कम बी टी एस टी ट्रेड करें बट अगर करें तो अपने मार्केट ओपन होते ही आपको एग्जिट कर लेना होगा या फिर थर्टी मिनट्स के अंदर आप एग्जिट कर लीजिएगा ओके सो आई थिंक इसी के साथ हम लोग बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी को चेक करते हैं एंड बैंक निफ्टी ने तो कोई भी अपसाइड दिखाई नहीं है इट क्रिएटेड अ डबल टॉप डबल बॉटम टाइप सिनेरियो बट डबल बॉटम में कहूंगा नहीं वाई क्योंकि आप देखिएगा जो प्रीवियस बॉटम की क्लोजिंग है उसी के नीचे कैंडल की क्लोजिंग है बट दूसरी कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है सो दैट मींस कि यहां पर एक सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है क्या कर सकते हो अगर ये दोबारा जोन के नीचे जाने की कोशिश करता है मतलब अगर ये यहां से नीचे आता है और दोबारा रीटेस्ट करके दोबारा नीचे जाता है हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करके चल सकते हैं ठीक है हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करके चल सकते हैं बट अगर ये इस लेवल के ऊपर अगर, अगर अपनी क्लोजिंग देता है यानी कि एग्जैक्ट करंट प्राइस के ऊपर अगर अपनी वन आर की क्लोजिंग देता है गाइस वन आर की क्लोजिंग तभी हम लोग बाय करके चलेंगे एंड अ टारगेट शुड बी अराउंड अराउंड एट दिस पर्टिकुलर लेवल जस्ट वेट अ सेकेंड ये हमारा टारगेट होगा जब तक इसके ऊपर एक क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो बाय इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है देन दिस शुड बी आर फर्स्ट टारगेट एंड जो भी नीचे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो हमें अकॉर्डिंग टू फेबोनाची रिट्रेसमेंट बना सकते हैं सो लेट मी पुट फेबोनाची रिट्रेसमेंट एज वेल अगर इस लेवल को ब्रेक करती है देन द टारगेट शुड बी अराउंड अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल ओके सो so, आप इसी के साथ साथ बना सकते हैं आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर बाय करना है यानी कि थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड के ऊपर वन आर की क्लोजिंग के ऊपर बाय करना है थर्टी टू थाउजेंड फाइव फिफ्टी के नीचे अगर क्लोजिंग करती है तो सेल करना है एंड टारगेट्स आपको नोट करवा दिए गए हैं ठीक है इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं बट मैं आपको कहूंगा नो ट्रेडिंग जोन की तरफ जाइए बट अगर आप ट्रेड करना भी चाहें तो कम क्वांटिटीज या कम लॉट्स के साथ ही ट्रेड करेगा आप सेफ साइड में रहिएगा ठीक है सो so इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं आई होप आप लोगों को सीखने को मिला होगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा कि आप लोगों को हमारी एनालिसिस कैसी लगती है एंड गाइस चैनल को एक लाख सब्सक्राइबर्स तक क्रॉस करवाने में मदद जरूर गाइस जैसे जैसी क्रॉस करता है हमारे पास भी एक सिल्वर बटन आएगा मैं भी दो साल से मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एंड मैं भी चाहता हूँ कि एक सिल्वर बटन मेरे पास भी आए आप लोगों को इतना टाइम देने के लिए मैं भी कुछ अचीव करूँ इन सेंस ऑफ